स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। छोटी छोटी रस्सियां है क्या आगे पैर बांधने वाली? ये तो पीछे के पैर में तो काम आ जाएगी, खोल। तो फिर दो छोटी छोटी लानी है बस। अरे ये पड़ा है ना रस्सा वहां यार, वो देख बेग के पास। घर आपका है, रस्सा मुझे दिख रहा है यार। छोटी वाली इसको काट लो, क्या दिक्कत है? इजाजत ले लो, इजाजत लेके काट लो, लेकिन ये भी खुद ही छोटा ही है। एक तो बन जाएगा ये, एक तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो पीछे का पैर देखो कैसे कर रही है ना, पीछे का पैर जो है ना इस प्रकार से कर रही है। ये सारी निशानियां जो है ना वो टॉर्शन की है। पहले गिराना पड़ेगा, उसके बाद इसे देखेंगे। ऊपर वाली डाल लेते, ऊपर पहले गिरा देते, ऊपर से डाल के गिरा लेते। ऊपर से डालने की जरूरत नहीं है, इसके दोनों पैर बांधो, फिर पीछे के पैर में जूड़ गांठ लगाओ, इतना आराम से स्मूथ, जिस साइड में आपको गिराना है ना उस साइड में गिर जाएगी ये। इसके एक सिरे से एक पैर बांध दो, लेकिन पैर बांधने वाला कोई कलाकार नहीं है, हमारे सावन जी भी चले गए। सावन जी ठीक थे, इनमें से कोई नहीं है क्या है? प्रयास कर कुलराज भाई, सिंगल पैर बांधना है। पैर बांधना आता है क्या आपको? ऐसे नहीं बांधते हैं, दो फिट एक तरफ रखो, दो फिट ये। अब सीधी यूं ही गांठ लगा दो बस। अब इन टेंडेंस के नीचे ले लो, इनके नीचे पीछे ले आओ, गांठ को पीछे ले जाओ। आप इधर हो जाओ, अरे पीछे की तरफ। हाँ अब उठाओ, हाँ उठाओ एकदम से, ऐसे नहीं उठेगा, रस्से से खींच के उठाओ। वेरी गुड, हाँ बांध दो, एक आदमी पकड़े रहो, एक आदमी बांध दो। हाँ बांध दो बस, और खींचो और खींचो। बंद गया, अब इसी से इसी के दूसरे सिरे से दूसरी वाली बांध दो। क्या है यार, 5 मिनट के लिए आ जाओ भाई, 5 मिनट के लिए। अरे गुलराज भाई इधर आ जाओ, उसको छोड़ करके। हाँ आप ये जर्दा वर्दा खा के एकदम से तैयार हो जाओ, जिसको बीड़ी पीनी है बीड़ी पी लो। नहीं नहीं बीड़ी नहीं, कोई गुण भी बड़ो, क्योंकि नशे की जिसको मन में आएगी ना वो ताकत नहीं लगा पाएगा। निर्णाण निर्णाण कृपाण की वजह से वो वापस वैसे ही उठाना है। अब की बार ध्यान रखना, ये आपके ऊपर आ सकती है। वेरी गुड, बांध दो राज भाई, ऊंचे को ऊंचा करो। वेरी गुड, अरे कुछ ना कुछ सीखते रहो बस। ये काम जो है ना आगे के पैर बांधने का, ये हमारा काम नहीं है, अगले बांध देते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है। अब जूड़ गांठ किसको लगानी आती है? अरे यार पिकअप वाले, वो जूड़ गांठ नहीं आती। लक्ष्मण जी आपको नहीं आ रही है क्या? चलाओ मैं आपको आती है। देखो आज सीख लेना है ना, पैरों में जूड़ गांठ कैसे लगाते हैं। अरे सीख लो भाई, ये जैसे है ठीक है, ये रस्सी है ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, आधी रस्सी को उधर फेंकना है ठीक है। ये आधी रस्सी को फेंका, पकड़ो उधर से, पकड़ो पकड़ो। मेरे हाथ में यूं है, थोड़ा नजदीक से दिखाओ, मेरे हाथ में ये यू यू कंडीशन है ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से लेकर के ये इसके ऊपर से लूंगा। देखिए ये इसके ऊपर से है, ले लिया, इसको एक बार फिर से फेंक दूंगा। तो ये यहाँ पर चौकोर बना है, देखिए ये यहाँ पर है ना। अब वो जो रस्सी आ रही है उसको इधर से ले लूंगा ये। अब यहाँ पर जरूरी है, देखो दो दो आदमी हो दोनों तरफ, दो आओ इधर, थोड़े इधर आओ दो ठीक है, दो दो आदमी। अब सुनो मेरी बात, अरे लक्ष्मण जी नजदीक आओ एक बार, थनों का ध्यान रखना है, और खींचते वक्त हमें लेटाना किस तरफ है? राइट, उस तरफ, यानी कि रूमन वाले जगह है वो ऊपर रहनी चाहिए। हाँ आप खींचो राज भाई, खींचो खींचो। हाँ हाँ बस, अब आप लोग इधर आ जाना, वो नीचे थनों को निकालो, थनों को निकालो,
थनों को निकालो, हाँ थनों को निकालो, ऊपर निकल जाएंगे थन, हाँ आप खींचो, हाँ खींचो, ये अपने आप रस्सी नीचे जाएगी, हाँ उस तरफ देना है, आप लोग पीछे रहो थोड़ा, आप लोग पीछे रहो, पीछे आप लोग पीछे रहो, यस हाँ आप डालो, बस ऊपर करो, ऊपर करो फटाफट, रस्सा ऊपर करो, आगे से गर्दन दबा लो, बस। और भाई वहां पे मुरा डालो, देखो गलती कर ली ना, आगे आगे मुरा डालो जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है। अब देखो इधर कोई नहीं है ना, पत्थर वगैरह कुछ नहीं है ना, जगह को देख लो, घास वाली जगह एकदम से साफ है ना, कोई नहीं है, हाँ पत्थर वगैरह नहीं रहना चाहिए। अरे एक मिनट के लिए आ जाओ, बस आ जाओ भाई, आ जाओ। अब देखो जब आंटी आप खिला रहे हो ना, मेरी बात सुनना सभी ध्यान से, प्रॉब्लम क्या होती है, पैर इधर पड़े हैं अभी, और इनको जब हम इधर से इधर लाएंगे ना, उस समय बीच में रुक सकते हैं, अगर बीच में रुक गए तो वो आंटी सक्सेस नहीं होगी एकदम से। आप इतने लोगों समझदार हो, ठीक है ना, और ये लूंग वाले भाई साहब दोनों ज्यादा समझदार है, लूंग और गमछा जिसके पास है वो ज्यादा है। अब देखो सुनो, आप दो आदमी इधर खड़े रहो, ठीक है, जो ही ये पैर इधर से आ रहे हैं ना, आपको तुरंत यहाँ से पकड़ लेने हैं, बीच में रुकने नहीं देने, हाँ नहीं तो ये अकेले इधर से करेंगे ना तो ये श्योरली रुकेंगे, बस अब की बार आई ना। देखो एकदम से ये पैर जो है ना इधर, इनको तुरंत इधर लेके आना है, और बीच में रुकने नहीं चाहिए, अगर रुक गए तो वो आंटी बेकार, ठीक है। अब वहां पे क्या करोगे, आगे वाले पैर पे राम प्रसाद जी और राजेंद्र भाई आप दोनों पैर उठाओ, ठीक है भाई, टी शर्ट और भाई गमछा ये उनको पकड़ा दो, किसी को पकड़ा दो, ठीक है, और इनको रस्सों को पीछे वालों को एक जगह कर लो, एक जगह करो दोनों रस्सों को, एक ऐसे नहीं, हाँ बस ये ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब यहाँ से उठा करके आप इन तरफ, इस तरफ जो खड़े हैं उनको दोगे, है ना, एक मिनट रुको, अभी पूरे तैयार हो जाना, आप तैयार हो यहाँ पे, आप तैयार हो ना भाई, दोनों तैयार हो, ठीक है भाई जी, भाई जी सुनो, आपको आगे से गर्दन अगर मुड़े ना, ये अपने आप घुमा ले तब तो ठीक है, नहीं तो आपको गर्दन को घुमाना है, ठीक है, हाँ कम्प्लीटली, हाँ फोन वगैरह, अरे रुको रुको एक मिनट, ये एक आदमी फोन में अभी बिजी है, एक मिनट रुको, तू रहे ऐसा कर, इनको बस यहाँ रहो, है ना, हाँ भाई, हाँ एक दो तीन, वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई है एकदम से सफल, बस बस रोक लो यहीं पर, रोक लो एक मिनट रोक लो, हाँ राजेंद्र भाई देखो एक बार, या मुझे दो स्लिप्स, एकदम सक्सेस आंटी लगी है, बिल्कुल सही लगी है, इधर से थोड़ा तेल और लेके आओ, तेल ले लिया, मुन्नी का कटोरी में है ना, इधर लाओ, हाँ कटोरी ले लिया, जल्दी कर लिया, भाग के जा, मैं रात भाग जा भाग, वो लोग कैसे ना क्यों थे, जब मैं एक हाल लगे तो मैं क्या गर्म थे बेट, बुखार तो इन गणों को, हाँ बुखार नहीं, यार मैं क्यों दूध तो चलो लीजिए मैं थोड़ा आप पी लियो, पर मत दूध और तेल कुछ मारे ऊपर का कहीं पांच बार 8:30 बजे मैं जरा और लिया डाल सामने बुलवा दो, भाग जा, आपने अच्छा काम किया, मारे दिमाग में फट आई थी, मैं खेत का नहीं, खेत में फोन कर दियो, रन में अब देखो मेरी अंगुली वहां तक पहुंचने लग गई है, लेकिन अभी भी एक फोल्ड और देना पड़ेगा भाई, एक और देना पड़ेगा यार, ऐसे ही वापस ऐसे ही, अब एक बार के लिए इसको बैठाना है, आगे के पैर मोड़ो उस तरफ और बैठाओ, हाँ बैठाओ बैठाओ एक बार के लिए, पैर इधर मोड़ो, बैठ जाएगी, हाँ मोड़ो, अब ये रस्सा नीचे से आगे ले जाओ, यस वेरी गुड, अब दो वापिस घुड़ाओ, बाटा साइड में करना पड़ेगा, यहाँ से घुड़ाओ, बाटा साइड में कराए भी घुड़ाओ, घुड़ाओ थोड़ा हाथ रे बगो, ओवर टूटे जितना, हाँ घुड़ाओ, बस बस बस, पैर निकालो, देखो पैर को सीधे निकाल लो, इधर आराम से करो जो भी कर रहे हो, पैर बंद करो, पैर निकालो फटाफट, अरे जोर लगाओ यार उधर वाले पैर को, उधर करके थोड़ा भी
बस नहीं अब ऐसा करो ऐसा मत करो, वहाँ है ना वहाँ जगह खराब है थोड़ी सी, इधर खींचो पैर पकड़ के इधर खींचो, एक ही राउंड की बात है। आगे जो थोड़ी और थोड़ी सी और थोड़ी सी और गर्दन को उधर, गर्दन को उधर रखो, अरे गर्दन को घुमा रहे अपन, गर्दन को उधर करो, उधर बैठा ना अपने हाथ में थोड़ी है तो गर्दन को घुमा लो, सिर्फ गर्दन गर्दन को घुमा लो और कुछ मत करो। हाँ और करो थोड़ा सा और करो थोड़ा सा और, बस बस होगी जगह। अब यहाँ पे जगह एकदम से सही है, वही वो का वो राउंड लगना चाहिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ एक दो तीन बोलूंगा। एक और लगा दो बस, देखो जहाँ पे लॉन्ग वाले मुझे मिल जाते हैं या गमछे वाले मिल जाते हैं वहाँ किसी की जरूरत नहीं है, बस लॉन्ग वाले में ताकत होती है, गमछी वाले में ताकत होती है, बस चार की जरूरत थी, बाकी तो ये सब मेरे साथ है। वो तो वापस वही उस जगह खड़े हो जाओ जहाँ पहले सब थे, हाँ एक दो तीन, वेरी गुड वेरी गुड, बराबर आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये काम एकदम से सही हो गया। ले आ तेल वाले, ले आ तेल वाले, ले आ जल्दी से, पग और काट दीजिए रे, पग नेच नहीं आग लो, पग बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इसको, जल्दी ला आपरे जी, हल्का दुख पावे तो ये दुख बहुत ही बड़ा है भाई, ये घाटी है बहुत, ये जानो बोले को नहीं तूने बोल दी, बिल्कुल मामला काफी काफी। अब देखो अब मेरा हाथ जो है ना वो सीधा जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चेदानी में सिर्फ दो अंगुली जा रही है, इसका मतलब आज आज का समय लगेगा, आज आज ब्याह बंद खोल दो बच्चा ब्याह दे रहे। अब देखो बच्चा देते समय जरूरत पड़ सकती है, कल सुबह आपको कॉल करना है वापस, कल सुबह हाँ, रात को भी कोई मिस्टेक, रात को कोई भी प्रॉब्लम होना, अब जैसे ये काम तो हो गया आंटी वाला, तो अब इसके बस डिलीवरी वाला ही बाकी है। अच्छा आंटी तो निकल गई, अब ये समस्या आंटी तो निकल गई, अब समस्या कुछ नहीं है, वाटर बैग आएगा, वाटर बैग मुतिन जी से बोलते हैं ना हम, वो आएगा और वो अगर मान लीजिए कल सुबह से पहले आ जाए तब तो आराम से डिलीवरी हो जाएगी, पहले आ जाए तो आराम आराम से हो जाएगी, बस और नहीं हुई तो आपको कॉल करना है कल सुबह, और कल सुबह आकर के इंतजार करना पड़ेगा, क्या करें। अब यही काम मान लीजिए दो दिन पहले हो जाता ना तो दो दिन पहले ही डिलीवरी हो जाती, अभी एक दिन का समय लगेगा तो इसमें तो लगेगा ही, बिल्कुल सही, अब सही। ये जो थाल आपने दी ना पलटी परफेक्ट लगी है एकदम से, ये परफेक्ट अगर नहीं लगती तो प्रॉब्लम, अब देखो इसको दुख पाना था, अरे हमारी टीम के सदस्यों का बांधा हुआ है, कुलराज भाई खोल हाँ आप वाली गाय को बछड़ा किसने डाला था, अब ठीक है वो आंटी आने का कारण होता है कि कहीं पे अगर पैर मान लीजिए किसी खट्टे में पड़ जाए एकदम से, और बच्चा अंदर घूम रहा है और उसी दरमियान पैर गिर गया तो तुरंत बस आंटी आ जाती है, वो अपन अपन डूडी का भाई वो उठाना ही बस, तो भाई बच्चा देगी, बच्चा देगी कैसे, बच्चा आएगा ही नहीं बाहर जब तक ये फोल्ड नहीं है, ये अगर नहीं निकलती है ना तो ऑपरेशन करना पड़ता है इसी कंडीशन में, हाँ अगर नहीं निकला नहीं तो बच्चा निकलता ही नहीं है। अब समय जैसे तीन दिन हो गए, सारे लक्षण एकदम से कंप्लीट है, खड़ी करो खड़ी करो, व्यापार पोजीशन नहीं आता,
ਸਾਡਾ ਕਿਦਾਂ ਮਾਰ ਦੂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ।